नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी भी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र की लिखी ये लाइनें आज सियासत के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आती हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल जिस तरह से अपनी मनमानी में जुटे हैं उसके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5-6 दशकों से जो नियम मुस्लिम नेताओं के लिए बना था उसे सरकार ने हटा दिया है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा से अब जुमे की नमाज के दिन मिलने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्लिम नेताओं का गुस्सा फूटा है। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स सरकार के इस फैसले के खिलाफ सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि पहली बार मुस्लिमों को लेकर ऐसा फैसला लिया गया हो, इससे पहले भी कई बार कड़े फैसले सरकार ले चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से एक रिपोर्ट के मुताबिक समझाने की कोशिश करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यसभा में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए आधा घंटा जो वक्त मिलता था उसे अब खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये फैसला किया है। उन्होंने इससे जुड़े नियमों के बारे में भी बताया। दरअसल राज्यसभा में अभी तक हर शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को जुमे को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का लंच ब्रेक होता था। इसमें 1 घंटा लंच के लिए दिया जाता था, तो वही 30 मिनट यानी आधा घंटा जुमे की नमाज के लिए होता था। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो लंच ब्रेक 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता है। राज्यसभा में जुमा के लिए यानी जुमे के दिन के लिए जो एक्स्ट्रा वक्त दिया जाता था नमाज के लिए दिया जाता था उसे लेकर बदलाव किया गया है, खत्म कर दिया गया है। लंच के नियमों में 8 दिसंबर को बदलाव किया गया, जिसके बाद से मुस्लिम सांसदों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सभापति की इस बात से डीएमके के मुस्लिम सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने नाखुशी जाहिर की है। वो बोले कि हर शुक्रवार को मुसलमान मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लिहाजा इस दिन सदन शुरू करने के लिए 2:30 बजे का समय तय है। सभापति ने अब्दुल्ला की बात सुनने के बाद उन्हें बैठने के लिए कहा। वो दोबारा बोले कि लोकसभा के साथ एक रूपता करने के लिए 1 साल पहले ही सदन के समय में बदलाव कर दिया गया था, इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। शफीकुर रहमान की अगर बात करें तो शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगा दिया और कह दिया है कि ये तानाशाही रवैया मुसलमानों के प्रति है। जबकि सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने तो मोदी सरकार पर तंज तक कस डाला और कहा है कि न्यू इंडिया अमृतकाल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ एक नारा ही है। यानी ये सब चीजें जो विकास की हैं, जो विश्वास की हैं, वो सिर्फ नारों में ही दिख रही हैं। एक समुदाय को तो बार बार टारगेट किया जा रहा है 24 के लिए, ईश्वर ही जाने हमारे देश को किसकी नजर लग गई है 10 सालों में। जय हिंद। एक और अन्य यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि देश को इससे क्या फायदा होता है, जहां पर जनता को अपना न्याय के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोकतंत्र के मंदिर का क्या फायदा। यहां सिर्फ धीरज साहू जैसे लोग धन बल भ्रष्टाचार के बल पर सांसद चुने जाते हैं। देश में ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाए। अब मोदी सरकार एक के बाद एक करके ऐसे फैसले ले रही है जिससे मुस्लिम नेताओं की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि अब संसद में मुस्लिम नेताओं की यानी मुस्लिम सांसदों की संख्या में भी कमी आ गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? ये जो लंच ब्रेक का समय जो जुमे के दिन आधा घंटा ज़्यादा दिया जाता था उसको खत्म कर दिया गया है, ये सही है या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।